हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू क्रैब लेयर गेमिंग चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले ये फिशिंग वाला क्या होता है, ये जो छोटा सा बोट है और इससे हमें क्या फायदा होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो हम इस पे क्लिक करेंगे। सो इस तरह का कुछ लेक का टाइप का आ जाएगा। तो पहले तो मैं बता दूँ ये है क्या। यहाँ पे हम लोग फिश को पकड़ते हैं, उससे हमें मिलता है फिश का मीट, जिससे हम एक पाई बनाते हैं जो कि बहुत ही महंगा है, मतलब बहुत नहीं लेकिन महंगा होता है। उसे सेल करने पे पैसे मिलते हैं, बहुत बहुत तो नहीं लेकिन थोड़े ज़्यादा पैसे किसी और चीज़ से सो कंपेयर किया जाए तो। और फिर को फिश को हम लोग पकड़ते हैं तो हमें ये बुक खुलता है। बुक में कोई फ़ोटो, जैसे ये फ़ोटो ठीक सा है और ये वाला धुंधला है। धुंधला वाला खुलता है जब, तो हम लोग जब उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ से हमें कुछ डायमंड मिलते हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद है। और ये है हमारा जहाँ से जिससे पकड़ाता है फिश, जैसे कि ये है हमारे पास भूरा कलर का। जो पहले मैं एक फ़िश पकड़ के दिखा देता हूँ कैसे पकड़ाता है। सिंपल इस गोले के अंदर इसको रखना होता है। जैसे कि मेरा फिश पकड़ा चुका है और इस तरह से हम लोग फिश पकड़ते हैं। ये भूरा वाला जो होता है वो फ्री में बनता है और बाकी सब चार जो हैं वो वाउचर से बनते हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप लोग वाउचर से ना बनाएं, क्योंकि वाउचर बहुत महंगा होता है। महंगा नहीं लेकिन वो जैसे कीमती होता है, क्योंकि वो बहुत कम मिलता है। सो इसलिए आप लोग वाउचर से ना बनाएं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वाउचर हो गया फालतू तो आप बना सकते हैं। तो वाउचर से ये फ़ायदा होता है कि हम लोग न्यू न्यू फिश जल्दी खोल पाते हैं और ये मामूली वाला से नहीं खुलता है। उससे कॉमन मछली मतलब पकड़ा जाता है और कभी भी रेयर मछली नहीं पकड़ाता है, यही घाटा है इसका। और ऐसा ही पूरा लेक होता है और पूरा आपको खोलना भी पड़ेगा। जैसे ये ज़मीन है तो यहाँ पर अगर खोलूँगा मैं तो मेरा एक और जगह खुल जाएगा। जैसे कि एक जगह ये है और ये दूसरा और यहाँ पे तीसरा, तो मेरा तीन तीन खुला हुआ है। पहले मैं आपको शायद वन एक ही देगा। और ये है दूसरा चीज़ जहाँ पे होता है शायद नेट बनता है, जो जिससे ये फ़ायदा होगा कि आप एक बार में बहुत सारे ही मतलब एक बार में एक नेट लग जाएगा हर जगह पे। और उसके बाद अगर 6 घंटा 7 घंटा ऐसा लगता है, उसके बाद अगर आप खोलिएगा नेट तो उसमें 5-6 मछली मिल जाती है। तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है हमें पाई बनाने में, क्योंकि पाई 3 मतलब कि 3 मछली के जैसे बनता है। तो यही था पूरा यहाँ पे, और कुछ नहीं है, सिंपल है। यहाँ पे आप नेट बनाइए, यहाँ पे आप पकड़िए, उससे जो मिलेगा उससे पाई बनेगा, पाई से आपको पैसा मिलने वाला है और यहाँ से आपको डायमंड मिलेगा अगर नया मछली खुला है तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।